वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। नमस्कार दर्शक मित्रों, बड़ोदरा न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे गणपति पूजन किस प्रकार से करें, उनका व्रत और गणेश जी की पूजा का लाभ हम किस प्रकार से लें। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी गणपति भगवान का जन्म समय इस दिन हुआ है। मध्याह्न के समय में गणपति भगवान का इस दिन जन्म हुआ है। गणेश जी का जो वाहन है मूषक यानी चूहा है। गणेश भगवान की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि है। गणपति भगवान बुद्धि ऐश्वर्य और ज्ञान के प्रदाता देने वाले हैं। तथा आज हम जो गणपति भगवान का पूजन प्रारंभ करते हैं किस प्रकार से करना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। प्रातःकाल सुबह उठकर स्नान आदि कर्म से निवृत्त होकर स्थान को स्वच्छ करें। पूर्व और उत्तर दिशा में मुख रखकर भगवान का स्थापन वहाँ पर स्थापित करें। एक बाजक चौकी और उसके ऊपर लाल वस्त्र, क्योंकि गणपति भगवान को रक्तांबर यानी लाल वस्त्र बहुत प्रिय है, उस पर गेहूँ स्थापित करें। उसके ऊपर भगवान गणपति की मिट्टी की मूर्ति, सोने की मूर्ति, तांबे की मूर्ति तथा चांदी की मूर्ति उस पर स्थापित करें। भगवान को जल से अभिषेक करें, शुद्ध स्नान करा के पंचामृत से दूध दही घी मद और शर्करा यानी साकर से पंचामृत से स्थापित करके स्नान आदि कर्म करने के बाद में उसको स्वच्छ करें और भगवान को स्थापन विराजमान करें। फिर धूप दीप और कुमकुम का उनको तिलक लगाना आवश्यक है, क्योंकि उनको लाल जो गंध है वो उनको प्रिय है और साथ में उनको सिंदूर और दूर्वा वह प्रिय है। फिर चावल अक्षत लगाएं, लाल फूल गुलाब का उनको चढ़ाएं और लाल फूल से बने हुए फूलहार उनको चढ़ाएं। उसके बाद मोदक यानी बेसन का लड्डू उनको बहुत प्रिय है, 21 मोदक यानी 21 लड्डू बेसन का उनको अर्पण करें और आरती करें। विघ्नहर्ता गणपति भगवान की आरती करने के बाद में गणपति भगवान के पास 5 लड्डू स्थापित करें, बाकी जो मोदक हैं बेसन के लड्डू प्रसाद वितरण कर दें। उनको दूर्वा बहुत अधिक प्रिय है, 21 दूर्वा ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम एकदंताय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए दो दो दूर्वा उनके नाम मंत्र से चढ़ाते जाएं। इस प्रकार गणेश चतुर्थी का व्रत और उपवास करें। अंत में कहा गया है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का देखना निषिद्ध माना गया है, क्योंकि भाद्रपद शुक्ल महीने की जो शुक्ल चतुर्थी तिथि आती है उस दिन का चंद्रमा कलंककारी होता है। यदि आप इसको देखते हैं तो आवश्यक किसी कार्य में आरोप लांछन या कलंक अवश्य लगता है। श्रीमद् महाभारत में कथा आती है कि जब श्री कृष्ण भगवान ने जब चतुर्थी के दिन कार्य कारणवश चंद्रमा देख लिया था तो उन पर स्मरण तक मणि का चोरी का आरोप लगा था। इसी कारणवश आप उसको ना देखें, यदि किसी कारणवश दिख भी जाता है तो स्मरण तक मणि की कथा सुनने से वो दोष दूर हो जाता है। और जब चंद्रमा की पूजा करें तो जब उनको अर्पण करें तो नज़र नीची रखकर उनको पूजन करने से वो दोष हमको लागू नहीं रहेगा। और कहा गया है कि गणपति बुद्धि के प्रदाता, छात्र बंधुओं को व्यवसायी को कहा गया कि वो गणपति की पूजन अवश्य करें, क्योंकि कलौ चंडी विनायको, कलयुग के अंदर गणपति और माता जी शुभ फल प्रदान करने वाले हैं।
ईश्वरीय सुख समृद्धि को प्रदान करने वाले हैं। हम प्रतिदिन श्रद्धा मन और विश्वास से यदि हम गणपति भगवान की साधना आराधना करें तो निश्चय ही हमारी प्रगति होती है। इस प्रकार गणपति भगवान की पूजा आराधना करते समय उनकी साधना करें और प्रतिदिन संभव हो सके तो इस मंत्र का जप अवश्य करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का प्रतिदिन उच्चारण करते हुए जप करें और अंत में गणपति भगवान की जब मूर्ति हम स्थापित करें तो 3 दिन 5 दिन 10 दिन अंत में उनका फिर विसर्जन करें किसी पानी में, स्वच्छ पानी में, और हो सके तो हम मूर्ति की मिट्टी की मूर्ति वहाँ पर स्थापित करें जो वो जल में विसर्जन उसका हो जाए। अंत में कहेंगे आगे हम अगले विषय पे मिलेंगे जरूर। नमो नमः।